जन जागरण मंच की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में जांच अधिकारी अजय पाल लांबा का नाम सामने आया है कि उन्होंने आशाराम बापूजी की गिरफ्तारी को आसान बनाने हेतु गुरुग्राम केस में चर्चित बच्ची के साधारण वीडियो को मीडिया को दिया था ताकि वह अलग अलग न्यूज़ चैनल पर नेगेटिव वे में चलाई जा सके और आशाराम जी बापू के खिलाफ जनता में आक्रोश भरा जा सके और उनकी गिरफ्तारी बिना विरोध के संभव हो सके। आइए अब आप सब खुद ही सुनिए गुरुग्राम केस के वकील श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी का वक्तव्य। डीसीपी लांबा जो आशाराम बापू जी का केस देख रहे थे, उनके गिरफ्तारी से पहले उन्होंने क्या प्लान किया नहीं किया ये उनका दिमाग था, लेकिन उन्होंने एक किताब बाद में लिखा और उस किताब में उन्होंने ये लिखा कि आशाराम बापू जी को, मैं उसका आपको लबोलवा बता रहा हूं कि आशाराम बापू जी को गिरफ्तार करना आसान नहीं था, इसलिए सबसे पहला जो जरूरत थी कि एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट किया जाए और पब्लिक में वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होने के बाद हमें पब्लिक का विरोध नहीं होगा बल्कि सपोर्ट होगा जो उस वक्त देखा गया, तो फिर हमें गिरफ्तार करने में बड़ी आराम और आसानी होगी। देखिए कहां ये, मैं गुड़गांव के केस, मैं कतई जोधपुर के केस पे नहीं जा रहा हूं, मैं वहां का वकील भी नहीं हूं और तथ्यों से पूरी तरह अवगत भी नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन ये किताब है जो पब्लिक डोमेन में है। किताब का क्या नाम है उसका? गनिंग ऑफ द गॉड। तो उसके बाद अब उस नेगेटिव आप मीडिया, उन्होंने कहा कि हमने मीडिया का सहारा लिया, तो नेगेटिव करने के लिए जब आप सहारा ले रहे हैं तो कुछ किया, वो क्या किया, वो आपने उनके खिलाफ उसमें जो एक इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को आपने रिलीज किया एडिट करके। देखिए आज केवल 8 व्यक्ति इसमें मुलजिम है, इस सारे कंप्लेन में चंचल मिश्रा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जोधपुर के केस का और जिसने सुपरवाइज किया है डीसीपी लांबा, उनका नाम कहीं नहीं है कंप्लेन में भी, लेकिन ये इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि डीसीपी लांबा एक पब्लिक बुक में लिखता है कि मेरा उस वक्त ये दिमाग था कि आशाराम बापू को की प्रोसीडिंग चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि विरोध ना हो तो लोगों को उनके विरोध में किया जाए और हमने मीडिया का साथ लिया और ये वीडियो जो पुलिस के एक्सक्लूसिव कस्टडी में था एडिट किया गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी जो उसका एडमिशन है डीसीपी लांबा का, और दूसरा गुड़गांव के पुलिस ने इस कॉन्स्पिरेसी को जो पब्लिक डोमेन में होते हुए भी इस केस में गुड़गांव केस में आज तक एक भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरीके का नहीं हुआ, तो मेरे अनुसार इस केस में आज भी पुलिस के द्वारा, मैं कोर्ट में जो आया उस पर विचार नहीं दे रहा हूं लेकिन एज ए लॉयर मैं बिल्कुल कन्विक्शन से बोल रहा हूं कि पुलिस ने इस केस में बहुत ही इन्वेस्टिगेशन हल्के तौर पे केस को खत्म करने के लिए किया, कोर्ट के बाद वो जारी हुआ। लास्ट वीडियो के टॉप कमेंट्स में भरत सिंह वघेला, छाया पारसवानी जी और सुलेखा सिंह जी का कमेंट है। आप सभी भी अपने अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। धन्यवाद। और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज्वाइन करें और स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर को अपने अपने ग्रुप्स में जरूर ऐड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।